मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और निकी हैप्पी वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक बीच पे, स्टैनले करके एक प्लेस है यहाँ पे। तो वहाँ पे बीच के सामने ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मार्केट हैं, काफ़ी फेमस प्लेस है यहाँ पे। सो हम लोग जा रहे हैं। सो ओकेजन इज़ काइंड ऑफ लाइक पंकज का बर्थडे था 27th को और हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए। सो नाउ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और पंकज के फ्रेंड्स हैं। सो हम लोग जो है सारे सभी साथ में मिलके जा रहे हैं। सो लेट्स गो। तो हम लोग 6 लोग हैं। सो विल बी काइंड ऑफ बड़ी वाली टैक्सी करने वाले हैं एंड देन विल गो टुगेदर। सो मैं आपको मिलवाती हूँ। ये तो मैं हूँ, तो पता है। मरी दिखाती हूँ आपको। हे मरी, हाय। आई फॉरगॉट माय मास्क। व्हाट? डैम, आई डोंट हैव मास्क बेबी। आई डोंट हैव मास्क। इज देयर लाइक अ 7-11? आई फॉरगॉट माय मास्क। टेल टू सैम टू ब्रिंग वन फॉर मी। Going up the street and then like go up another one. There's, I think it's up there to Taiping Street or something. There's like a bunch. Okay. We finished the table. Yeah. But we can get in because we need a screwdriver. So we assembled everything. Done? Yeah, we told you. It's fine, I got it ready. We told him that you're pregnant, so like don't go through the other route. Right. Yeah, it's okay. I got a screwdriver already. Okay. Yeah, I wanted to ask you. You got it? Yeah. And then for the boys are sitting at the back. I got it for JC, like 15. But anyway, I found out like the plastic. फ्रेंड्स, यहाँ हम पहुंच गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली है। तो बेसिकली स्टैनले एक बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ पे हांगकांग में। इस रोड पे मैंने देखे बहुत सारे अलग अलग बीचेस थे, बट आई गेस उसमें से ये वाला जो है ये काफी फेमस है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने दूसरे तो नहीं देखे है, बट यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचे तो काफी फ्रेश लगा और काफी अच्छा लगा।
तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मॉल और काफी ग्रीनरी है, ट्रीज है, पार्क है और ऑब्वियसली बीच है जो इधर का मेन स्पॉट है. और काफी सारे ऐसे छोटे छोटे मतलब आपको रेस्टोरेंट भी दिखेंगे जहाँ पे आप जो है बीच के सामने मतलब वो रहते हैं, तो वहाँ पे बैठ के आप चिल आउट भी कर सकते हैं. तो इस तरह से ये कुछ प्लेस है. तो चलिए और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अभी अंदर चल के, हमारा जो हमने बुक करा हुआ है रेस्टोरेंट वहाँ चलते हैं. सो फ्रेंड्स यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट है ना, तो हम लोग हमारा जो बुक करा हुआ है उसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे. तो अभी पहले उसको ढूंढते हैं और उसके बाद एक बार सेटल हो गए बैठ गए कि बाकी की भी प्लेसेस जो है आपको बता दे रही हूँ. और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्क है और काफी बड़ी प्लेस है यार ये तो. ओके फाइनली वी फाउंड आवर रेस्टोरेंट, बीफ एंड लिबर्टी नाम है इसका. और अफसोस बात यह है कि ये अभी तक खुला नहीं है, सो वी नीड टू वेट फॉर 5-10 मिनट्स. ये देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने अंदर आई गेस एसी वगैरह चालू करके पूरा इसको ठंडा कर दिया, तो इनका जो ये डोर है ये ओपन ही नहीं हो रहा है. ऐसे ही पहले डोर का भी हुआ था, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये पहला वाला डोर, ये भी पूरा बंद था और ओपन ही नहीं हो रहा था. हम लोगों को लगा भाई खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बट नहीं, इनका शायद ये ऑफकोर्स रोज का काम है. तो ये अभी दूसरा बंदा आ गया और इसने जो है एक झटके में इस स्टोर को ओपन कर दिया. तो चलिए फाइनली दिखाती हूँ आपको दूसरी प्लेसेस. यहाँ पे जो है ये बच्चों वाला कोई शॉप है स्टेशनरी का और मॉल टाइप बना हुआ है यहाँ पे साइड में. सो फ्रेंड्स ये है टिफनी, मेरी कलीग और फ्रेंड. ये है आकृति जो कि पंकज की फ्रेंड है और क्लासमेट भी थी HKU में, और बाकी सबको तो मैं इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ. वहाँ कॉर्नर में जो है वो तारिनी है, उसको मैं बाद में आपको इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ. और अभी जो है हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, मेनू में देख रहे हैं कि हम लोग आखिर क्या मंगवाए, क्योंकि ना यहाँ पे अभी प्रेगनेंसी में मुझे सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं. तो कभी कभी कुछ मंगवा लेते हैं बट मैं उसको खा नहीं पाती हूँ, तो पंकज को खाना पड़ता है. तो इसलिए हम लोग जो है सोच समझ के मेरे लिए ऑर्डर कर रहे हैं. तो देखते हैं अभी क्या मंगवाते हैं क्या नहीं, उस हिसाब से अभी और आधे हम लोग के फ्रेंड्स आने बाकी है. फाइनली फ्रेंड्स एज यूजुअल मैंने ऑरेंज जूस मंगवाया है, आधे लोगों ने कॉफी कैपेचिनो वगैरह अपने हिसाब से मंगवाए. यहाँ पे मैंने मैक एंड चीज बॉल्स मंगवाए हैं और एक वीगन बर्गर भी मंगवाया है. और यहाँ हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा बीच की तरफ और दूसरे फ्रेंड्स का भी हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं. सारा सब कुछ हो गया और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इतने सारे रेस्टोरेंट है बीच के सामने, तो हम लोग जो है फाइनली कहाँ पे जाके बैठे और चिल आउट करे. तब तक के मैं आपको अभी लेकर चलती हूँ यहाँ के स्टैनले मार्केट में. सो फ्रेंड्स चलिए आपको अभी शेयर कराती हूँ यहाँ के स्टैनले मार्केट की. तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो बहुत अच्छा बड़ा मार्केट है ये, और क्लोथ्स किचन स्पोर्ट्स वेयर पैंट्स और ये सारे सभी काफी रीजनेबल मतलब एकदम चीपर रेट में यहाँ पे है. ओके अबाउट क्वालिटी आई एम नॉट श्योर कि कैसी है क्या है, अब तो वो खरीदेंगे कभी लेंगे तो ही पता चलेगा. बट कुछ रेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो पैंट्स वगैरह हैं वो सिर्फ $20 में मिल रही है यहाँ पे. कुछ वन पीस है वो भी कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है, $50, $80 वगैरह ऐसे हैं. तो उससे आप समझ सकते हैं मतलब इट्स काइंड ऑफ 500-800 rupees ऐसे उसमें ये मिल रहे हैं. कुछ ज्वेलरी है काफ़ी यूनिक कलर की ज्वेलरी दिख रही है, बट कुछ कुछ हमारे इंडिया में जो मिलती है वैसी भी है. ये बैग्स काफ़ी क्यूट लगे मुझे यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली हम लोग के इंडिया में उतने मिलेंगे नहीं. वैरायटी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज दिख रही है मुझे, और बच्चों के टॉयज तो देखो मतलब स्पेशल उनकी शॉप बनी हुई है यहाँ पे, ताकि जो है यहाँ पे ये लोग जो है पूरा बच्चों को मतलब अट्रैक्ट करे और बच्चे जो है जिद करके सारी सभी चीज़ें वगैरह खरीद पाए. तो अच्छी स्ट्रेटजी है. ये देखिए स्पेशल वाइट क्लोथ्स का जो है यहाँ पे मैं देख रही हूँ. यहाँ पे पता है एक मैंने बहुत देखा है कि वाइट एंड ब्लैक का ना बहुत क्रेज होता है यहाँ पे, ज़्यादा कलरफुल लोग जो है कपड़े पहनते नहीं हैं, और जब हम लोग इंडियन पहनते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, ओ ये लुक सो कलरफुल टुडे वगैरह. क्योंकि जब मैं स्कूल में पहन के जाती हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे वैसे शॉप्स भी होते हैं.
वाह कितनी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई है. तो ये एक स्पेशल पेंटिंग की शॉप नजर आ रही है मुझे. कितनी खूबसूरत कितनी अच्छी. वाह ये ब्लू और पिंक वाला जो ट्री है ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है. कुछ तो अलग ही है इस पेंटिंग में, बहुत अच्छा है. तो फिलहाल मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना ये बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करवा रही हूँ. मैं थोड़ा सा सामान खरीदूंगी बट बाद में हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे. बट अभी फिलहाल मैं आपको पूरा सैर करा रही हूँ दूर से ही. देखो कितने सारे छोटे बड़ी टाइप की सारी सभी पर्सेस है यहाँ पे और काफी वैरायटी भी है. ज्वेलरी तो दिख ही रही है और ये आई गेस ये स्पेशली शूज का स्नीकर्स है यहाँ पे, चप्पल्स है, सैंडल्स है और स्पोर्ट्स वेयर वगैरह की ये स्पेशल शॉप दिख रही है मुझे. बेल्ट वगैरह भी है यहाँ पे. ये स्पेशल वन पीस का शॉप लग रहा है मुझे. काफी अच्छे अच्छे आउटफिट दिख रहे हैं और ये भी काफी अच्छे चीपर रेट में है तो दैट्स रियली नाइस गुड. ये देखिए ज्यादातर सारे सभी प्राइजेस मतलब 20, 30, 49, 50 ऐसे डॉलर्स में ही मिल रहे हैं. ये देखिए ये चाइनीज यहाँ पे फैंस हैं. ये कुछ ब्रेसलेट रखे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे कुछ रिंग्स वगैरह दिख रही है मुझे. और यहाँ पे ये लड़की कुछ अपना ड्रोन टाइप घुमा रही है. ड्रोन ही है शायद बट किस चीज का है पता नहीं. तो वो अट्रैक्ट कर रही है वो दिखा के सारा सब कुछ के आओ खरीदो. ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर अच्छी हैट्स है यहाँ पे. और ये है हम लोग के यहाँ पे जैसे वो हम लोग कंदील लगाते हैं वैसे टाइप का है. काफी बड़ा है यार, अगर मैं सोचूं भी तो मैं लेकर ना जाऊं, इतना बड़ा कौन लेकर जाएगा भला. तो देख के दिल भर लेते हैं क्या करें अभी. ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं आगे पीछे ही घूम रहे हैं, मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग में बिजी हूँ तो बस वही चल रहा है. और यहाँ पे ना शॉप्स में लोग कुछ कुछ थोड़े कुछ फ्रेंडली है, हमको हेलो वगैरह बोल रहे हैं, विश कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि हाँ आ जाइए. देखिए कितनी कैट्स की कितनी क्यूट क्यूट बैग्स हैं यहाँ पे. एक हाथ तो शायद मैं खरीद ही लूंगी. चलिए फ्रेंड्स अभी फाइनल ले चलती हूँ आपको बीच की तरफ. तो बीच के रास्ते से जाते हुए हम लोग को ये काफी पुरानी शॉप्स यहाँ पे नजर आई. ये देखिए ओल्ड पीपल यहाँ पे पत्ते कार्ड्स वगैरह खेल रहे हैं. वो रहा हम लोग का बीच. और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कुछ बहुत ही पुराने ओल्ड जमाने के जो है, जैसे यहाँ पे चाइनीज घर हुआ करते थे तो वो यहाँ पे बने हुए हैं बट सारे सभी लॉक्ड है. और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि बादाम के दो तीन बड़े बड़े से पेड़ है यहाँ पे. काफी ह्यूज है यार. Mother.
too shy. You are too shy for the camera. फ्रेंड्स हम लोग का खा पी के सारा सब कुछ चिल आउट करके सब हो गया है. अभी यहाँ पे ये लोग हैं स्पेनिश की ग्रुप और स्पेनिश ही कार्ड्स ये लोग खेल रहे हैं. तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ा सा बैठे हैं और ये पता नहीं कौन से टाइप की क्या कार्ड्स है, तो मैं भी इनको थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ. बट मैं पहले से यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुई थी तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट या इट इज गुड टू जस्ट वॉच द गेम एंड अभी थोड़े ही टाइम में जो है हम लोग अभी निकल जाएंगे. Check the mic and make sure it sound right, boys. फुल टू एंजॉय किया. अभी शाम के बज रहे हैं 5. कितने बजे से आए हैं हम लोग? 11:30. या सुबह 11:30 से हम लोग निकले थे. अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं. बट वी रियली हैड अ वेरी लवली टाइम और काफ़ी हम लोग के फ्रेंड्स के कनेक्ट हुए हैं. नए कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ इनके फ्रेंड्स थे. काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हम लोग का. आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. फिर अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. बाय बाय, लव यू ऑल.